हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। माय नेम इज़ प्रेम पांडे और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट किस्मत प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का। और फर्स्ट ऑफ ऑल डीले के लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, और पूरा देखिए वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनाओ, ये क्लास 8 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में है कि ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था और वो इसे लेने कबाड़ एक दुकान पे जाता है। वो डेस्क को ले आता है, डेस्क में इसे एक लेटर मिलता है। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए वो इस लेटर को अब उसके पते पे पहुंचाने जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उस लेटर में क्या लिखा रहता है, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे हम उतनी ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। वीडियो ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए हमने वीडियो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और लास्ट में हमने सारे क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के हैं उसको रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। बिफोर यू रीड, इसमें कुछ है कि आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिसे क्या होता है, जिसे हमें जाननी चाहिए, जो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। तो और इसमें एक चीज़ और है कि ये ब्रिटिश एंड जर्मन्स के वार के बारे में इस चैप्टर में है। तो आप क्या पता लगा सकते हैं कि वो वार कौन सी थी? तो हाँ, वो वार वर्ल्ड वॉर 1 थी। और इसमें कुछ डेट्स हैं यहाँ पे आपको पता लगाने की, इन डेट्स पे क्या हुआ था, और इसके आंसर आपको पेज नंबर 23 एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। तो इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं। चलिए कंप्रेहेंशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इसको हम। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपॉट अ रोल टॉप डेस्क। ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क दिखता है कबाड़ी की दुकान पे। कहाँ रहती है कबाड़ी दुकान? ब्रिटपॉट में रहती है। ब्रिटपॉट एक जगह है इंग्लैंड में और ऑथर वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क देखता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो कबाड़ी वाला रहता है वो कहता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो 19th सेंचुरी का है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, ऑथर को एक ऐसा ही रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन जो नए लेने जाता वो तो बहुत महंगे थे वो, और ये जो रोल टॉप डेस्क था दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत ही बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, 1 leg क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन 1 साइड। ये जो रोल टॉप डेस्क था वो लगभग कई पार्टों में टूट गया था, मतलब इसके हिस्से हो गए थे। और इसका जो 1 leg था, एक पैर था इसका, यूजुअली 4 पैर होते हैं डेस्क के, तो इसका जो एक पैर था क्लम्सली, किसी तरीके से इसको रिपेयर किया गया था। मेंड मतलब होता है रिपेयर किया गया था, तो क्लम्सली मेंडेड मतलब होता है किसी तरीके से जोड़ दिया गया था बस उसके एक पैर को। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन 1 साइड, इस डेस्क में जलने के निशान भी थे एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसे में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो इसलिए ऑथर को लगा कि कम पैसे में ले लेते हैं और ऑथर को लगा कि ये इसे रिपेयर कर सकता है। रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर, बना सकता है ये इसे। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ऑथर कहता है कि इस डेस्क को लेना एक रिस्क है क्योंकि वो शायद बना पाए ना बना पाए, एक चुनौती भी है इसे बनाना, लेकिन बट आई हैव टू हैव इट, लेकिन ऑथर को ये चाहिए ही चाहिए था। तो वो क्या करता है, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। तो वो उस कबाड़ी वाले को पैसे दे देता है उस डेस्क के और उसको अपने वर्क रूम में ले आता है अपने गराज के पीछे, वहीं पे उसको रखता है। और क्रिसमस की छुट्टियों में वो उस रोल टॉप डेस्क को ठीक करना, रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। और ऑथर क्या करता है, वो रोल टॉप को ऊपर से एकदम निकाल देता है और उसके सारे ड्रॉयर्स को एक एक करके खींच लेता है। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या होता है, विनीर आप कह सकते हो कि जितने भी फर्नीचर्स होते हैं, आपके घर में भी फर्नीचर्स होंगे, तो वो सरमाइका, जो ऊपर सरमाइका एकदम पतला सा लगा होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसको लगाया जाता है। आप विनीर की पिक इमेज यहाँ पे है, एक मैं दे देता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये होता है विनीर। ओके, तो वो क्या हुआ था, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो उखड़ चुका था, वो लगभग हर जगह डेस्क का विनीर उखड़ा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऑथर को लगता है कि ये जो विनीर उखड़ा हुआ था वो क्यों उखड़ा हुआ था, वाटर डैमेज, पानी की वजह से, क्योंकि आप जानते हो फर्नीचर पानी की वजह से खराब हो जाते हैं। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। दोनों आग ने और पानी ने
क्लियरली टेकन देयर टोल, क्लियरली टेकन देयर टोल, टेकन देयर टोल मतलब अपना अपना काम कर दिया था, मतलब दोनों ने उसे बर्बाद कर दिया था उस डेस्क ने, क्योंकि जलने के भी निशान थे उसमें, पानी भी था जिसकी वजह से सरमाइता उखड़ गया था, तो आग और पानी ने उस डेस्क को बर्बाद करके रख दिया था। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रॉयर था वो, उसमें तीन ड्रॉयर थे, उसको दो तो उसने आराम से निकाल लिया, लेकिन जो तीसरा वाला था वो बहुत टाइटली बंद था, निकल नहीं रहा था। और आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, ऑथर ने वो सब कुछ ट्राई किया कि वो आराम से उस ड्रॉयर को निकाल लिए निकाल ले, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया, वो अपने लाख कोशिशों के बाद भी वो आराम से उस ड्रॉयर को नहीं निकाल पाया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आर्थर क्या करता है आखिर में एकदम तंग हार के, वो ब्रूट फोर्स एक मजबूत ताकत का प्रयोग करता है। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडर नीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर। तो फिस्ट मतलब होता है मुक्का, तो आखिर में वो थक हार के क्या करता है अपने मुक्के के साइड से और थोड़ा तेज से क्या करता है स्ट्रक करता है वो, उसके उसके स्ट्रक करते ही जो ड्रॉयर होता है वो खुल जाता है और शैलो स्पेस अंडरनीथ रिवील, मतलब रिवील मतलब होता है दिखता है, उसके अंदर क्या होता है एक शैलो स्पेस एक जगह रहती है, उस जगह की में मतलब जानते हो आप ड्रॉयर में जगह होती ही है, और उस ड्रॉयर में क्या रहता है एक और सीक्रेट ड्रॉयर रहता है, एक और सीक्रेट ड्रॉयर रहता है। आप देख सकते हो इस पिक में एक ड्रॉयर है और उसके ऊपर एक वाइट कलर का सीक्रेट ड्रॉयर है। तो ऐसा है फिर कुछ, देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर भी कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। तो देयर वॉज समथिंग इन देयर मतलब कि उस सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर भी कुछ था, और ये जो ऑथर रहता है वो वहाँ तक पहुँचता है, मतलब अपना हाथ उसमें डालता है और उस सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर से एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकालता है, टिन का एक क्या निकालता है एक ब्लैक कलर का बॉक्स वो वहाँ से निकालता है। उस बॉक्स पे क्या रहता है, बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक कागज़ की पट्टी चिपकाई रहती है, और उस पट्टी पे सेकी हैंड राइटिंग मतलब हिलते हुए हाथों से लड़खड़ाते हुए हाथों से कुछ लिखा होता है। उस पे क्या लिखा होता है, जिम्स लास्ट लेटर, मतलब ये जिम का आखिरी लेटर है, रिसीव्ड जनवरी 25, और ये लेटर कब मिला था इसे, 25 जनवरी 1915 को मिला था। उसमें क्या लिखा था आगे, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, इस लेटर को मेरे साथ जला दिया जाए, जब मेरी मौत आए जब मेरा अंत आए तो इस लेटर को मेरे साथ जला दिया जाए। आई न्यू एस आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, आई न्यू इट, आई न्यू मतलब कि ऑथर इसे जानता था कि किसी किसी का लेटर पढ़ना, किसी की सीक्रेट चीज़ें पढ़ना ये गलत बात है, लेकिन क्या होता है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, मतलब कि इसकी जो क्यूरियोसिटी रहती है इस लेटर को पढ़ने की, ऑथर की जो क्यूरियोसिटी रहती है, जो अंदर से इतनी इच्छा जिज्ञासा जागती है, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, स्क्रपल्स आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को करना, करने का मन करना फिर नहीं करना, मतलब आगे पीछे मन आगे पीछे करना। तो ऑथर कहता है कि बहुत सोचने के बाद बहुत हाँ नहीं करने के बाद मैंने आखिरकार उस लेटर को खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवेलप, उस बॉक्स को बॉक्स के अंदर क्या था एक इनवेलप था, सॉरी मैंने बोला था कि लेटर खोल लिया, लेटर नहीं वो बॉक्स खोला था, बहुत मन उसका आगे पीछे हो रहा था, लेकिन आखिर में उसने उस ब्लैक टिन बॉक्स को खोल लिया, और उस बॉक्स के अंदर क्या था एक इनवेलप पड़ा था, इनवेलप चिट्ठी की इनवेलप आती है ना, तो एक इनवेलप पड़ा हुआ था, इनवेलप पे एड्रेस डला था कि मिसेस जेम मैकफर्सन, ये लेटर किसके लिए था, मिसेस जेम मैकफर्सन के लिए था, जो कि कहाँ रहती हैं, 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपॉट डोरसेट, ये जो पता है ये इंग्लैंड का है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, ऑथर इस लेटर को निकालता है, अनफोल्डेड इट लेटर को खोलता है, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और पेंसिल से सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ था, डेट लिखा हुआ था, डेट क्या लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। तो आप जैसा देख सकते हैं ये लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखी गई थी, और इस लेटर को रिसीव कब किया जाता है, जनवरी 15, यहाँ पे देखिए लिखा गया, सॉरी जनवरी 25, जनवरी 25 को ये लेटर मिलता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। वैसे तो मैं इस सारे क्वेश्चंस आपको आखिरी में इसके नोट बना के दे दूंगा, बाय द वे यहाँ पे आप थॉरली में बता देता हूँ, लिखना चाहें तो आप लिख लें, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिलता है, तो इट इज क्लियर द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, ही फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। हु डू यू थिंक हैड पुट इन टिन देयर, आपको क्या लगता है कि इस ब्लैक टिन बॉक्स को उसमें किसने रखा होगा, तो जिसका रोल टॉप डेस्क पहले था उसी ने इस ब्लैक टिन बॉक्स को उसमें
पर रखा होगा। तो नाउ कंप्रेहेंशन फर्स्ट इज कंप्लीटेड, आपको अगले पार्ट में मैं कंप्रेहेंशन सेकेंड का फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा।